मेरी बारे में बार्गेनिंग 14,000 का था, मम्मी ने कहा आप तो बहुत ज्यादा कह रहे हो, 12 कर लो, चलो 12 कर लो है ना। तो उन्होंने कहा मैडम आप 12 प्लीज 12 कर। तब उन्होंने अपनी मैम को फोन करा, जो ओनर थी वो नहीं थी ना, तो उन्होंने कहा चलो ठीक है दे दो, वो आगते रहते हैं हमारे रेगुलर। फिर जब उसने बोला ठीक है चलो पैक कर दो 12 में, फिर मम्मी ने कहा वैसे 11 में मिल जाता था। ठंडा लग रहा है, ठंडा लग रहा तो ये कम्बल भी इतना पतला वाला है, ऊपर से रजाई तो देख फुरफुरी रजाई है ये। तो भाई जिन लोगों की हम बात कर रहे थे वो लोग आ गए। इतना बड़ा सूटकेस लेके कहाँ आई तू, क्या है इसमें कपड़े हैं? कौन से कपड़े हैं? धोने के लिए? मम्मी है पार्लर। पापा बाहर कहाँ गए? मतलब कहीं गए भी आए नहीं। दरवाजा खोल के क्यों बैठे? मैं तेरा ही वेट कर रहा था कि मैं थोड़ा सोऊंगा, तू आ जाएगी तो खाना ले लेगी ना। मम्मी का है पार्लर? हाँ आने वाले, खाना ले लेगी ना पक्का ना। तो ये जानवी जो सुबह हमको बोल रही थी फोन करके क्या बोला इसने, पापा कौन खर्च कर रहा 17,000 रुपए फालतू फिर पड़ा रहता है? अभी कितने का लिया इसने? अभी आपकी कसम मैं नहीं ले रही थी, मैंने एक इंटरेस्ट नहीं दिखाया था उस समय, पर जब वो लहंगा दिखा फिर मेरे। अब ये सोचो ना आप मुंह से भाई राजपा खाइए पापा, अभी ज्यादा मत बोलो। वो तो पापा वो छोड़ो पापा ये सुनो तो मैं पूछने के दौरान मैं बोल रहा हूँ, तब इसका मन नहीं था, तब इसने 10,000 का लहंगा खरीदा, अब इसका मन होगा। 14,000 का लहंगा खरीदा करते भाई मैं खरीद नहीं रही थी, वो तो लास्ट में जब मम्मी ने दिखाया, मम्मी वहां पीछे उड़ गई ले ले ले, और मैंने कहा वो है तो, मम्मी ने कहा ये तो बहुत ही सुंदर लग रहा है, बहुत मतलब हद से ज्यादा लग रहा है। तो मैंने सोचा चलो ठीक भाई, मैं तब भी दे रही थी, मम्मी ने उसे पैसे दे दिए। वैसे तो मम्मी दो शॉपिंग तो दोनों ही कर रही थी तगड़ी वाली। हाँ सर भाई देखो भाई देख, हमारा न्यूतेर का भी पुराना शादी का भी हम सोच रहे थे ढहंगा भाई पहले, पर मम्मी ने मानी नहीं। तो फिर अरे भाई मैं इसलिए नहीं मानी, मैंने कहा बच्चों तुम्हारी तो हमारे खेलने कूदने की रखी है। 14,000 का था, मम्मी ने कहा आप तो बहुत ज्यादा कह रहे हो, 12 कर लो, चलो 12 कर लो है ना। तो उन्होंने कहा मैडम आप 12 प्लीज 12 कर। तब उन्होंने अपनी मैम को फोन करा, जो ओनर थी वो नहीं थी ना, तो उन्होंने कहा चलो ठीक है दे दो, वो आगते रहते हैं हमारे रेगुलर। फिर जब उसने बोला ठीक है चलो पैक कर दो 12 में, फिर मम्मी ने कहा वैसे 11 में मिल जाता था ज्यादा। उन्होंने कहा मैडम अब तो आप ज्यादा ही मार्जिन बोल रहे हैं है ना। उन्होंने कहा प्लीज, मम्मी ने कहा प्लीज मैडम पे है ना। तो कह रही बहुत, फिर मम्मी ने कहा नहीं वैसे 12 भी ज्यादा ही लग रहा है, मत करो पैक, रहने दो रहने। उन्होंने कहा चलो ठीक है 11 ही दे दो। फिर मम्मी ने कहा अच्छा वैसे इसमें तो आप स्टिच सिलाई भी नहीं करके दोगे ना, तो सिलाई के पैसे भी हमें देने पड़ेंगे, तो 10 ठीक है इसके। वो कह रही मैडम रहने दो, नहीं हो पाएगा वो कह रहा था। फिर मम्मी ने कहा जब बहुत देर तक अरे प्लीज दे दो ना प्लीज दे दो, उन्होंने कहा जब बहुत प्लीज बोला था उन्होंने कहा चलो यार ले जाए लो, छोड़ो लगता है उनकी भी बिक्री हो रही थी। मेरे बारे में मेरे टाइम पे नहीं करी मम्मी ने बार्गेनिंग। सुनो ना चलो हो गई बात खत्म, उन्होंने कहा चलो ले जाए लो, वो कह रहे मैडम हाँ दे मतलब आप 14,000 की चीज 10,000 में ले जा रहे, चलो ठीक है हो गई। फिर मम्मी को वहां पे एक सूट पसंद आ गया ठीक है, तो वो था 2600 का ठीक है। तो मम्मी ने कहा 2600 का है लग तो बहुत सुंदर लाया, मैं ले लेती हूँ। उन्होंने कहा ठीक है पैक कर दे ठीक है 2500 का ले लोगे? मैडम कैसे बोल रहा आप तो बार बार कहो कि चलो प्लीज 2500 का। उन्होंने कहा चलो ठीक है लगा लेंगे 2500 है ना। फिर मम्मी कह रही 2200 हो जाता। उन्होंने बोला मैडम सुनो अब तो मत बोलना, अब तो साफ मना है मैम 2400 से हम 1 रुपए कम नहीं करेंगे, आप रिक्वेस्ट मत करो। तो पता क्या प्लीज प्लीज, उन्होंने कहा मैडम बिल्कुल नहीं, आपने लहंगा भी इतना सस्ते में उठाया, आप 2600 का लहंगा, आपको 2600 का हम सूट 2500 में दे रहे हैं, आप मम्मी कह रही 2400 कह तो रही 2400 दे दूंगी, 200 में क्या होएगा आपका कर लो ना। उन्होंने कहा मैडम आप तो बहुत कह रहे हो, अब वो चलो एक बारी में तैयार हो ही रहे थे, उन्होंने कहा चलो भाई ठीक है यार मैडम अब दो यार चलो करो पैक। मम्मी ने बोला वैसे फिर बोला आपने इतने में वैसे दिखने में ये 2000 से ज्यादा ज्यादा लगे, उन्होंने पैक भी नहीं करा, उन्होंने डर नहीं मैडम रहने दो। मम्मी ने कहा हाँ रहने दो, मम्मी को लगा फिर आवाज देंगे ना, मम्मी ने कहा हाँ रहने दो, उन्होंने आवाज भी नहीं देनी चाहिए। फिर आपने नहीं वो तो लास्ट में बोल दिया नहीं।
लास्ट में बोल दिया उनके मुंह में, तो 2000 से ऊपर का लग ही नहीं रहा, वो पैक कर रही थी, उसने कहा रख दो इसको। अब वो 2600 से कम कभी नहीं देगा अगर मैंने दिला दिया। अब मम्मी को लगा मैं बोलूंगी छोड़ो फिर हाँ रहने तो, मैं जा रही हूँ तो वो पीछे से आवाज देंगे, मम्मी ने कहा चल जानो फिर हाँ रहने तो, उन्होंने भी कुछ नहीं बोला, कहना बाय मैडम थैंक यू। मेरे टाइम पे तो नहीं करी आपने ऐसी बार की नहीं। एक बार सुन, 14,000 की चीज को मैं 10,000 तक लाई कम है तो 10,000 का सूट मुझे पसंद आ रहा था, तो तू पसंद आ रहा था चिरा के ले ले, ये भी लूंगा मैं, ये भी लूंगा, 10 जगह हाथ रख रहा था। आज जानवी आई है, मैं आ चुका हूँ तो घर पे बनी है फिश, किस में क्या बोला आपने? ये वैसे वाले फिश मतलब फ्राई वाले नहीं है, तो मतलब नॉन स्टिक में वैसे बत्ती बना रहा हूँ। अच्छा ये नॉन स्टिक वाले हैं, बहुत अच्छे बनते हैं ये, पता है इसमें ना तेल, कुछ तेल नहीं है, कुछ भी नहीं, एकदम सही। और ये बन रही है वैसे जो मुझे खानी है, फिश करी रोटी के साथ, बिना रोटी के तो मजा नहीं। माछा और भात अच्छा था, माछा और भात, अब खमाचा। तो पर वो है ना, चावल मैं खाता नहीं, पसंद ही नहीं है, ठीक है तो रोटी, रोटी ही खाएंगे। और वैसे भी कल से सब शादी का प्रोग्राम, हाँ। सब सुनो बस, तो मजे ही मजे, सारी फैमिली वालों से, हाँ सबको मिलाऊंगा कल। तो कल के व्लॉग जो, कल से जो व्लॉग होंगे ना, ये वाला व्लॉग आने के बाद जो कल से व्लॉग है बढ़िया है, वो भाई की शादी के व्लॉग होंगे, उसके पार्ट बनेंगे, सीरीज बनेगी, प्रॉपर सीरीज रहेगी उसकी। और ये हमारी यहाँ पे जानवी रावत पूजा करती हुई, जिस तरीके से आप पूजा कर रहे हो उस तरीके से आपको अपने मन को भी शांत करना होता है, करते तुम्हारा मन नहीं, तुम्हारा तुम दूसरे का मन तन धन सब शांत कर देते हो। ये कर रही है पूजा, पापा देख रहे हैं मेरा व्लॉग, और अब हम करते हैं एडिटिंग। और जानवी को आते ही मिला है मस्त खाना, और ये मम्मी का लहंगा है। अच्छा मम्मी ने तो नहीं, मम्मी ने खुद भी लहंगा लिया है वैसे, लहंगा देखा ठंडा लग रहा है, ठंड लग रहा हूँ तो, ये कम्बल भी इतना पतला वाला है, ऊपर से रजाई तो देख फुरफुरी रजाई है ये, तनाव सा कम्बल भी तो मोटा दे देते, कम से कम कम्बल भी देख, सबसे सुखड़ा वो गलतड़ा पीछे से निकाल के, दो चीजें है वो, दो कम्बल रजाई अपने आप तो इतनी भारी ले रखी कि फरकने में भी इंसान अगर रात को पलटेगा भी पलट नहीं पाएगा, और ये उसका नहीं, रात को गर्म भाई, गर्म जाती है रात को, कब रात में, अभी अभी होनी चाहिए ना नींद आते समय। तो गाइस गुड मॉर्निंग, और ये व्लॉग जो है नेक्स्ट शुरू हो रहा है, देखो बेटी आ रही है तो बेटी के लिए बनते हैं ऐसे चुन्नी की रोटी। भाई आपके लिए मूली के पराठे बने थे, कब? उस दिन जब पिछली बार आए थे आप, तो क्या होना मूली पराठे बने, जिसके लिए बनाते उसे कोई वैल्यू नहीं है ना, और मेरे को इसकी वैल्यू दिख रही है। कितने पराठे खाने थे ना, एक एक दो तीन चार पाँच छ, फिर दिन में क्या बोल रही, क्या करना है? जैसा बात बोल रही हूँ कि अब शादी कल, अब रात से तो हम चले जाएंगे आज, हाँ। तो वहाँ से कचर पचर शुरू हो जाएगा, तो मत खाओ दिन हो गया, आप खा ले बन गया, आप खा ले चिंता, चलो पूजा कर ले पहले, अरे तो भैया तो कर रहा है वो पूजा कर लूंगा मैं, कर ले। तो ये है जो जानवी पहनने वाली है, ये जो आपको दिखेगा सब कुछ कौन क्या पहनने वाला वो नेक्स्ट व्लॉग पे होगा। और पापा तो खैर तैयार हो रहे ऑफिस के लिए, और मैं करूंगा भी पूजा, और जो भाई की शादी के जो व्लॉग है ना, वो सीरीज है जो है वो नेक्स्ट वाले व्लॉग से शुरू की, बिकॉज ये वाला व्लॉग तो यहीं पे होगा खत्म, क्योंकि हम लोग निकल रहे हैं दिन में, आज दिन में जा रहे हैं रुड़की, रुड़की क्यों जा रहे हैं वो आपको उस वाले व्लॉग में पता चल जाएगा। तो ये मैंने कपड़े धोए थे वाइट वाइट, एकदम महंगी वाइट स्वेटर पे कबूतर में अपनी पोटी कर दी, बताओ, और इस पर भी पोटी कर, चलो ये तो खैर फिर भी चलो मैं पहन लूंगा, वो तो बहुत ही गंदी हो गई है, और इसको हो रहा है प्रेस और पैकिंग करनी है फिर निकलना है। सब जा कुछ घंटों के लिए रहे, जानवी का बैग ये पूरा पैक हो चुका है, मेरा सामान ऐसा पड़ा है, ये वहाँ पड़े हैं, ये वहाँ पड़ा है, ये ऐसे पड़ा है, वो ऐसे पड़ा है, सब ऐसे फैल रखा है, कि क्योंकि जो कपड़े चेंज होंगे ना वो होंगे हर इवेंट के हिसाब से कपड़े चेंज होंगे बस। तो हमने ऐसे कुछ किया है कि आज जो कीर्तन है, कीर्तन में अलग कपड़े और रात के फंक्शन के लिए अलग कपड़े, स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। अभी मुझे जाना है मार्केट, कर लेते हैं पैकिंग, मार्केट जाना है, मगर गाड़ियों पर तेल भराना, कुछ सामान दीदी को देख के आना, फिर घर आ जाएंगे चुपचाप, फिर निकल। भाई साहब सारा काम करा लिया है, गाड़ी का पेट्रोल भर चुका है, सारा काम हो चुका है, पैकिंग हो चुकी है यहाँ पे, ये तो मैं लेके नहीं जा रहा हूँ, ये पैक हो चुका है, उसको पैक हो चुका है, पापा मम्मी का सामान पैक हो चुका है। तो अभी इसके बाद जो कल से जो सीरीज होगी ना शुरू भाई की शादी की, भाई उसमें धूम मचाने वाले हो, और आप लोगों का मुझे साथ चाहिए, जितनी से ज़्यादा उस वीडियो को शेयर करना, उस व्लॉग्स को, इस व्लॉग को भी सबको, एंड सब्सक्राइब करते रहना। तो इसी के साथ इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, तो आई होप आप लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगा हो, तो अगर आप लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगा है तो इस व्लॉग को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए,
शेयर कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि जो भी हम लोग यूट्यूब पे है ना आप लोगों को पक्का पता चल जाए। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर गाइस।